हेलो दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग आज हिस्ट्री का क्लास। इसमें क्या कर रहा है हिस्ट्री के क्लास में, तो ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री का क्लास हो या ज्योग्राफी का या पॉलिटी का, मैं जब भी पढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे कि हर एक ऑप्शन को मैं पूरा डिटेल से डिस्कस करूँगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं देने की कोशिश करूँगा। और फिर आप देखेंगे कि कितना नॉलेज आपको मिलता है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? ये आसान सी क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसके बारे में। ये तो 48 में नहीं, 53 में, राइट, ये सही है। तो ये 53 में आपका 1853 में सबसे पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेट आपको पूछे तो वो थी 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि कहाँ से कहाँ तक चली थी ये ट्रेन। तो ये बॉम्बे टू थाने चली थी, बॉम्बे टू थाने, इसको ध्यान में रखें। और बॉम्बे में भी एग्जैक्ट अगर पूछे तो वो जगह था बोरी बंदर, बोरी बंदर है ना, तो इसको भी ख्याल रखें। अब देखिए, क्वेश्चन तो पूछा पहली यात्री ट्रेन, तो आपको ये भी ख्याल होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए था कि पहली यात्री ट्रेन, तो पहली मालवाहक ट्रेन कब चली थी, या तो फिर इन दोनों में से पहली ट्रेन कौन थी, या यात्री वाली ट्रेन या फिर मालवाहक वाली ट्रेन पहली थी। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो देखिए, पहली मालवाहक ट्रेन जो थी वो 1837 में मद्रास में चली थी, जो प्रेजेंट का भी चेन्नई है, तो मद्रास में चली थी। इसका अगर 1837 आप ध्यान में रखेंगे, अगर प्लेस का नाम पूछे कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मालवाहक गाड़ी जो थी वो रेड हिल्स टू, रेड हिल्स एक प्लेस का नाम है मद्रास में, पुराने मद्रास में एक जगह का नाम था रेड हिल्स, और रेड हिल्स टू वो चली थी चिंता द्रिपेट, चिंता द्रिपेट एक जगह का नाम है, चिंता द्रिपेट। तो ये आप ख्याल रखें। अब देखते हैं, इससे रिलेटेड एक चीज़ और पूछता है कि पहली यात्री ट्रेन जब चली थी तो इसका श्रेय किसको जाता है, और वो क्या कर देता है कि चार ऑप्शन में चार वॉयसराय का नाम दे देता है या फिर गवर्नर जनरल का। तो आप कैसे याद रखेंगे, अगर आपको डेट याद है कि 1853 है ये डेट, और उस गवर्नर जनरल का नाम आपको अगर ढूंढना है दिमाग में तो कैसे करेंगे। अगर गवर्नर जनरल का आपको टेन्योर याद है, मतलब कार्यकाल अगर याद है, तो आप आराम से उसका आंसर लगा सकते हैं। तो 1853 के आसपास कौन थे, तो डलहौजी, डलहौजी थे। अच्छा, अब दूसरी बात कि डलहौजी है, तो डलहौजी का टेन्योर क्या था, तो आप इसको ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका बस डेट याद रखने से। 1848 से 1856 ये इनका टेन्योर था डलहौजी का। तो चलिए, ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखिए, इसमें क्या है, जैसे इंडिया में एमपी का चुनाव होता है ना, लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसी तरह से वहाँ चुनाव हुआ था ब्रिटिश में। तो फर्स्ट इंडियन कौन थे जो वहाँ चुने गए थे, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। तो ज़रा देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या हम लोग और जान सकते हैं। इनका एक और उपनाम है, वो क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इनका एक बुक बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो उस बुक का नाम आप याद रखेंगे। उनका जो लिखा गया बुक है वो है पॉवर्टी एंड एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया। तो ये आप याद रखें, इनका बुक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए, ये जो बुक है ना, ये किस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया है, वो जो हुआ था ना ड्रेनिंग ऑफ इंडियाज़ वेल्थ, कहने का मतलब है कि किस तरह से यहाँ का जो संपत्ति है, वेल्थ है, धन संपत्ति है, वो किस तरह से ब्रिटिश में चला गया था, ब्रिटेन में चला गया था ब्रिटिश के द्वारा, तो उसी के बारे में ये डिस्कस करती है ये बुक। और आप अगर याद रख पाएँ, ड्रेनिंग ऑफ इंडियाज़ वेल्थ इनटू ब्रिटेन, ऐसे इस बात पर ये फोकस किया है, ठीक है।
तो चलिए इतना हो गया आपका दादा भाई नौरोजी से। अब सेकंड ऑप्शन है गोखले। गोखले के बारे में क्या ख्याल आता है आपको देखते ही? तो गोखले जी जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये पॉलिटिकल गुरु थे। किनके? तो गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के ये पॉलिटिकल गुरु थे। और बिपिन चंद्र पाल, ये तो लाल बाल पाल के एक मेंबर थे, है ना, गरम दल के। और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी है। देखिए क्या, सबसे पहली बात इसका आंसर फर्स्ट है। अब लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म के बारे में याद हो या ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कब इनका डेथ हुआ था ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि इनका डेथ कब हुआ था। तो इनका डेथ जब साइमन कमीशन इंडिया आया था, साइमन कमीशन का एक जो टीम आया था इंडिया, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ करके, लाहौर में जो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है। तो उस वक्त क्या हुआ था, इन पर लाठी चार्ज कर दिया गया था। तो लाठी चार्ज करने के वजह से क्या होता है, 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर ये एग्जैक्ट डेट में बताऊँ तो 17 नवंबर के आसपास, हाँ 17 नवंबर 1928 में इनका क्या होता है, डेथ हो जाता है। इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। अब दूसरी बात है कि डेथ इनका हुआ 1928 में 17 नवंबर के आसपास, एक महीना के बाद, करीब 17 दिसंबर के बाद, 1928 में ही क्या हुआ था, जब इनका डेथ हुआ था ना, तो इनका डेथ में भगत सिंह जो थे, भगत सिंह वो क्या कर रहे थे, वो बदला लेने का सोचे थे कि अंग्रेज़ों का बदला लिया जाए इनका डेथ का, और वो प्रॉमिस कर चुके थे खुद से ही। अब क्या होता है कि ये जो लाठी चार्ज करवाया गया था प्रोटेस्ट के ऊपर और लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, तो उसमें जो एक एसपी था, सीनियर एसपी था, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो अभी प्रेजेंट में होते हैं, वही एसपी था, उसका नाम था मिस्टर स्कॉट, है ना, ये नाम आप याद रखें। कौन था वो? स्कॉट। तो भगत सिंह चाहते थे कि स्कॉट को मार दें, शूट कर दें। तो ये निकले थे भगत सिंह स्कॉट को मारने के लिए, लेकिन मार दिए थे किसको? तो वो मार दिए थे सॉन्डर्स को। सॉन्डर्स का आप नाम सुने होंगे, है ना, और इसी मौत के वजह से आप जानते हैं कि क्या क्या हुआ भगत सिंह के साथ और राजगुरु ये सब, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। तो ये है इनका पूरा कहानी। अब लाला लाजपत राय का एक फेमस बुक भी है, उस बुक का नाम क्या है, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। और एक और था, एक और इनका किताब है, वो है यंग इंडिया। तो ये दोनों इंडिया को आप याद रखें, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, ठीक है। तो दो बुक आपके ये याद हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। हाँ, ये है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम ये ओल्ड नाम था और अभी इसका नाम है मामलापुरम, है ना, मामलापुरम नाम है। मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानता हूँ, वजह ये कि मैं वहीं से पढ़ाऊँ, बस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर मेरे मेरा कॉलेज है। और वो क्या था कि 5 रुपये भाड़ा लगता था, तो आप समझ सकते हैं मैं वीकली में तो महाबलीपुरम बीच पे जाता ही था, मतलब वीकली तीन बार चार बार ऐसे चला जाता था घूमने के लिए। तो ज़रा देखते हैं, पूछा है कि महाबलीपुरम किस राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका आंसर, पल्लवा, है ना। तो पल्लवा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहली बात कि महाबलीपुरम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार जो है अपने मोदी जी वहाँ पर जाकर सफाई किए थे महाबलीपुरम बीच को जाकर। तो क्या कि यहाँ पे शोर टेंपल बहुत फेमस है, कई बार पूछता है कि शोर टेंपल जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये है तमिलनाडु में महाबलीपुरम बीच, मतलब चेन्नई से थोड़ा सा 50 किलोमीटर के आसपास दूर है और ये कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब ये शोर टेंपल कौन बनवाया था? शोर टेंपल जो बनवाया था वो यही पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा राजवंश का एक राजा थे और उस राजा का नाम था नरसिम्हावर्मन सेकेंड। ये आप ना भूलें, फर्स्ट सेकेंड में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो नरसिम्हावर्मन सेकेंड बनवाए थे शोर टेंपल। और दूसरी बात, अब क्वेश्चन आता है ये कि महाबलीपुरम जिसका अभी नाम है मामलापुरम, उसका स्थापना कौन किए थे, कौन राजा किए थे पल्लवा डायनेस्टी के? तो आप जानेंगे, तो इसका तो आप जान गए कि शोर टेंपल कौन किया था, तो नरसिम्हावर्मन सेकेंड। लेकिन महाबलीपुरम की स्थापना कौन किए थे? तो नरसिम्हावर्मन फर्स्ट, ये आप याद रखेंगे। और नरसिम्हावर्मन फर्स्ट जो थे इन्हीं का नाम था, जो निक नेम बोला जाए तो उनका नाम था मामला, है ना, मामला, तमिल में थोड़ा सा अलग टाइप से प्रोनाउंसिएशन इसका होता है।
तो ये मामला इनका नाम था। और मामला का अगर मीनिंग भी पूछ देता है कई बार एग्जाम में कि मामला का क्या मीनिंग होता है, तो मामला का मीनिंग होता है ग्रेट रेसलर, कुश्तीबाज जी जो करते हैं ना, ग्रेट रेसलर। तो ये इसका मीनिंग है। तो आप इतना सारा चीज़ ख्याल रखेंगे और सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। महाबलीपुरम का स्थापना कौन किए थे, तो नरसिम्हावर्मन फर्स्ट। और महाबलीपुरम में शोर टेंपल का स्थापना कौन बिल्ट किए थे इसको, तो नरसिम्हावर्मन सेकेंड और पल्लवा डायनेस्टी के थे। और इस्टेब्लिश कौन किए थे, नरसिम्हावर्मन फर्स्ट। और वही क्वेश्चन पूछा है। और वे सारे कौन से डायनेस्टी से थे, तो पल्लवा डायनेस्टी से। इतना सारा आप ख्याल रखेंगे, मामला का मीनिंग याद रखेंगे, ग्रेट रेसलर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो कांची में है, नहीं मदुरई में है, नहीं श्रीशैलम में है, नहीं तंजावुर में। तो तंजावुर में है ये कौन, बृहदेश्वर मंदिर। तो ज़रा देखते हैं, तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसमें कई बार पूछ देता है कि बृहदेश्वर टेम्पल काफ़ी फेमस है ये अपना आर्किटेक्चर की वजह से, तो बृहदेश्वर टेम्पल में कौन से गॉड हैं, तो वो भगवान शिव हैं, ये भी ख्याल रखें। अब दूसरी बात, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बृहदेश्वर टेम्पल को कौन बनाए थे। तो एक आप नाम सुने होंगे, राज राया, कई बार राज राजा भी लिखा जाता है, राज राजा है ना। तो वो चोल डायनेस्टी के कौन थे, चोल डायनेस्टी के आपके किंग थे, कौन, राज राया या राज राजा। तो ये इनका क्या करवाए थे, और राज राजा में ये प्रथम थे, ठीक है, राज राजा प्रथम ये बृहदेश्वर टेम्पल को बनवाए थे। अब दूसरी बात, अब कांची है तो इसका ऑप्शन पहले डी होगा। अब कांची में, कांची को, कांची का एक दूसरा नाम है कांचीपुरम, और कांचीपुरम का सिल्क साड़ी बहुत फेमस है। तो कांचीपुरम में कौन सा फेमस टेंपल है, ज़रा देख लीजिए, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो कांचीपुरम में एक फेमस टेंपल है कैलाश नाथार टेंपल, गौर कीजिएगा इसका स्पेलिंग में, कैलाश नाथार टेंपल, ये तमिल वर्ड है, हम लोग कैलाश नाथ बोलते हैं, इन लोग कैलाश नाथार बोलते हैं, कैलाश नाथार टेंपल है ना। अब दूसरी बात कि इसमें कैलाश नाथार में तो कैलाश नाम छुपा हुआ है, मतलब भगवान शिव का ही होगा क्या टेंपल, ये भी आप याद रखें। अब तीसरी बात है, पहले तो इसका ऑप्शन डी, और तीसरी बात है कि मदुरई में कौन है, तो M4 मदुरई और M4 मीनाक्षी टेंपल, ये भी आप याद रखें। मीनाक्षी टेंपल है कहाँ, मदुरई में। और साउथ का खास करके तमिलनाडु में बहुत सारे टेंपल हैं, फेमस टेंपल, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब मीनाक्षी टेंपल में कौन से भगवान हैं, तो शिव और पार्वती हैं, शिव और पार्वती। अब आ जाता है आपका श्रीशैलम, ये माँ है और ना दोनों पढ़े जाते हैं कभी कभी लास्ट में, श्रीशैलम और श्रीशैलन दोनों होते हैं। यहाँ पे एक फेमस है मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल। तो अब इसमें कौन है मल्लिकार्जुन में, तो इसमें भी लॉर्ड शिवा हैं। आप गौर किए, चारों ऑप्शन में एक एक टेम्पल है जो भगवान शिव के नाम पर डेडिकेटेड है टेम्पल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप याद रखेंगे, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का कहना है कि अंतिम भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली थी, मतलब कहाँ डेथ हुआ था उनका, तो राजगिरा में नहीं, बोधगया में नहीं, सारनाथ में नहीं, कुशीनगर है ना, खुशी वहाँ पर अपना देह त्याग दिए थे, तो इससे याद रख सकते हैं कुशीनगर में उनका देहांत हुआ था। अब पहली बात कि कुशीनगर अभी प्रेजेंट में कहाँ है, ठीक, तो कहाँ है कुशीनगर, तो एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, अभी डिस्ट्रिक्ट ही है कुशीनगर इन यूपी, यूपी में पड़ता है ये। अब कुशीनगर की बात है, तो आप एक बात बताएं, उनका डेथ हुआ था किनका, लॉर्ड बुद्धा का, तो इनका डेथ को क्या बोला जाता है, एक शब्द है महापरिनिर्वाण, तो उसको आप याद रखेंगे, महापरिनिर्वाण से डेथ को, उस घटना को बोला जाता है, लॉर्ड बुद्धा के डेथ के घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, और वो हुआ था कुशीनगर में। अब देखते हैं कि राजगिरह क्यों फेमस था भाई, तो राजगिरह क्यों फेमस था, अब जानते हैं गृह त्याग वो सबसे पहली घटना होती है गृह त्याग की है ना, तो गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, तो ये महाभिनिष्कर्मण कहा गया है, क्या कहा गया है, महाभिनिष्कर्मण, इस घटना को महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। और गृह त्याग के बाद सबसे पहले वो राजगिरह ही पहुँचे थे, इसलिए ये राजगिरह फेमस हो जाता है। और ये राजगिरह कहाँ है, ये राजगिरह है आपका बिहार में। अब बोधगया, तो बोधगया क्यों फेमस था लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड, तो बोधगया था फेमस, वहाँ पे उनको मतलब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब एनलाइटनमेंट हुआ था उनका,
कहाँ पे? बोधगया में। बोधगया भी कहाँ पड़ता है? बिहार में। और बिहार में निरंजना रिवर के ऊपर, निरंजना रिवर के ऊपर प्रेजेंट में है निरंजना। फाल्गु नदी आके मिलती है निरंजना में, और निरंजना नदी का उस वक्त जो नाम था वो था उरुवेला, उरुवेला नदी, है ना। उरुवेला नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति। और इनके ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो ये हुआ आपका क्या, निरंजना नदी के किनारे। चलिए, बोधगया आपका हो गया। अब देखते हैं सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है? प्रेजेंट में देख लीजिए, प्रेजेंट में तो यूपी में है ना, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, यूपी में। अब दूसरी बात है कि सारनाथ क्यों फेमस है। तो ये अपना पहला सरमन जो दिए थे, फर्स्ट सरमन मतलब उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो फर्स्ट उपदेश दिए थे सारनाथ में। और सारनाथ में और पहला उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया है, क्या नाम दिया गया है उसका? तो उसका नाम दिया गया धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। तो इतना सारा अब ख्याल रखें, ये चारों प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है ओल्डेस्ट डायनेस्टी एमंग द फॉलोइंग। और ये चारों डायनेस्टी जो दिया गया है इसके बारे में क्या कहना है आपको, कि इसमें से सबसे ज़्यादा पुराना कौन है? तो आप याद रखेंगे, ये मगध के जितने हैं ना, मगध के जितने राजवंश हुए हैं उन राजवंशों का आपको नाम सीक्वेंस में याद रखना है, और सबके फाउंडर का भी नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, है ना। मैं तो एक थोड़ा फ़नी सा बनाया हूँ, तो आप याद रखेंगे। सबसे पहली मैं बात की, मैं पूरा लिख देता हूँ कि कौन कौन से डायनेस्टी थे वहाँ पे। तो पहला था हर्यक डायनेस्टी, हाँ। फिर था शिशुनाग, सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है, शिशुनाग। फिर तीसरा नंद, फिर था मौर्य, फिर कौन था? मौर्य। फिर था आपका शुंग, शुंग। और फिर इसके बाद कन्नौ डायनेस्टी आता है। मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ, आप याद रख पाएंगे। और सबसे पहले फाउंडर, तो फाउंडर हर्यक कौन थे? हर्यक का ये फाउंडर बिंबिसार। और ये बिंदुसार और बिंबिसार में फ़र्क है, ये अजात शत्रु के पापा जी थे बिंबिसार, और बिंदुसार तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? पुत्र थे, है ना। अब देखिए शिशुनाग आता है। तो शिशुनाग जो है इसका कौन किए थे? तो शिशुनाग नाम के ही किंग किए थे इसको, फाउंडर थे इनका। नंद का कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं, महापद्मानंद, सॉरी महापद्मानंद। और महापद्मानंद को के वंश को मतलब पूरा बर्बाद करके मौर्य की स्थापना की गई थी, मौर्य डायनेस्टी की। और मौर्य का स्थापना जो किए थे कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से? कौटिल्य, चाणक्य जिसको कहते हैं। शुंग का थे पुष्यमित्र शुंग। और कन्नौ, कन्नौ का जल्दी लोग याद नहीं रख पाते हैं, ये थे वासुदेव। अब मैं बताता हूँ कि इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, है ना। इसका क्या था? हसीना, आप याद रखें हसीना। फिर मानेगी, मानेगी सुन कर, हसीना मानेगी सुन कर। तो ह से हो गया आपका हर्यक, सी से हो गया शिशुनाग, ना से नंद, मानेगी से मौर्य, और सुन सुन से शुंग, और कर से कन्नौ। तो इसको आप याद रख लेंगे सीक्वेंस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा देखिए इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन आपको नज़र आ रहा है? तो देखेंगे मौर्य का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे मौर्य। वैसे ये कुषाण और गुप्ता तो अलग अलग डायनेस्टी हैं अलग अलग जगह से, लेकिन ये सारे मगध के हैं और मगध से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये ट्रिक बता दिया हूँ। अब ज़रा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेवेंथ नंबर, कि द रिमेन्स ऑफ द ग्रेट विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन। तो देखिए बीजापुर, बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। गोलकुंडा कहाँ है? तो ये आंध्रा में है। बड़ौदा तो आपका गुजरात में है। तो देखिए जो विजयनगर एम्पायर को मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो डिस्ट्रॉय करने के बाद उसका जो मिलता है, उसका जो रिमेन्स मिलता है, अवशेष जो पाए जाते हैं वो हम्पी में हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा जगह है, अच्छा क्या कहेंगे, वो तो बर्बाद किया हुआ जगह है, तो लेकिन देखने लायक जगह है वो। तो हम्पी, हम्पी आपका हो गया। विजयनगर साम्राज्य का जो बर्बादी हुआ था वो कौन किया था और कब किया गया था? तो सबसे पहली बात, एक तालीकोट का युद्ध हुआ था। तालीकोट, आप अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो तालीकोट की लड़ाई को आप जानते होंगे। तालीकोट की लड़ाई हुई थी 1565 ईस्वी में, 64-65 में कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर ऑप्शन में रहे तो 1565 ईस्वी में। तो किसके किसके बीच हुई थी ये लड़ाई?
तो दक्कन के मुस्लिम फोर्स जो थे वो इन पर चढ़ाई कर दिए थे, और विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे राम राया या राम राजा, है ना, राम राया भी बोला जाता है और राम राजा भी बोला जाता है। तो इनको क्या कहते हैं, हरा करके ये क्या कहते हैं, विजयनगर को पूरा ये कर दिए थे, आपका बर्बाद कर दिए थे। तो चलिए इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बीजापुर क्यों फेमस है भाई, तो बीजापुर में गोल गुंबज है, पता है ना गोल गुंबज, और गोल गुंबज जो है 1632 में शायद स्टार्ट किया गया था और 56 में कंप्लीट किया गया था। तो पूछ लिया जाता है कि गोल गुंबज कब बनाया गया था बीजापुर को, ये सब कर्नाटका में है ये बीजापुर, और ये भी है हम्पी भी कर्नाटका में। तो आप याद रखें कि गोल गुंबज को कौन बनाया था, कब बनाया गया था, 1656 ईस्वी में, ये आकुत नाम के एक आर्किटेक्चर थे, है ना, आकुत करके, वो इम्पोर्टेंट कम है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो गोल गुंबज था, गोल गुंबज किसका मकबरा है वहाँ पे, तो आदिल शाह का, किसका, आदिल शाह का, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब बीजापुर तो हो गया आपका, अब गोलकुंडा क्यों फेमस है, तो आप जानते हैं हीरा का यहाँ पे क्या होता है, माइंस है, हीरा माइंस, आप नाम सुने होंगे एक हीरा माइंस का, कोलूर माइंस, तो कोलूर माइंस वहीं है आपका, कहाँ पे, गोलकुंडा में। तो इतना इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है। बड़ौदा, उतना जब बैंक ऑफ बड़ौदा आप सुने होंगे, उसके नाम पर पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय, पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, तो चंद्रवरदाई लिखे हैं, ये आप इसका याद रखेंगे। अब भावाभूति आ जाते हैं, तो भावाभूति जो हैं वो एक बुक लिखे हैं और उस बुक का नाम है महापीर चरिता, कौन, क्या नाम है, लिख देता हूँ, महा, इसका आंसर जो है वो कौन है, चंद्रवरदाई। भावाभूति जो बुक लिखे हैं उनका बुक का नाम है महापीर चरिता, है ना, महापीर चरिता। अब इसमें जो लिखे हैं वो भगवान राम के जीवनी लिखे हैं, वो आरंभिक उनका जीवन काल के बारे में, तो भगवान राम के बारे में ये लिखे हैं किताब महापीर चरिता। अब आते हैं जयदेव, तो जयदेव एक किताब लिखे हैं गीत गोविंद, क्या है उनका बुक का नाम, गीत गोविंद, और गीत गोविंद में भगवान कृष्ण और राधा की जो प्रेम कहानी है उसके बारे में लिखी गई है ये बुक। अब चंद्रवरदाई तो आप जान गए, पृथ्वीराज रासो लिखे हैं, बाणभट्ट की दो बुक काफ़ी फेमस है, कादम्बरी एंड हर्षचरिता, है ना, ये किंग हर्षवर्धन के बारे में लिखे हैं। तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9th, तो 9th है, नेम द किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड जो थे वो कौन लूट कर लेके चले गए थे, वो एक नंबर का डकैत था ईरान का, है ना, बाद में राजा भी बन गया था, हकीकत में डकैत था, मैं कह नहीं रहा हूँ, हकीकत में डकैत था, बाद में राजा बना था। तो ये क्या हुआ था, जब 1707 ईस्वी में क्या होता है कि जब मर जाते हैं कौन, ये आपका औरंगजेब, उसके बाद लड़ाई छिड़ जाती है और कमज़ोर हो जाता है पूरा मुगल साम्राज्य। उसके बाद इसी के मौका का फ़ायदा उठाते हुए क्या करता है, नादिर शाह दिल्ली पे अटैक करता है। दिल्ली पे अटैक करने के बाद क्या होता है कि एक आप सुने होंगे बैटल ऑफ करनाल, है ना, करनाल अभी कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। तो ये बैटल का करनाल के नाम से फेमस है ये एक युद्ध, और ये हुआ था 1739 ईस्वी में। ये 1739 ईस्वी में आते हैं कहाँ पे, वह दिल्ली साइड में, और बहुत मार काट करते हैं, और क्या करते हैं कि जो मोहम्मद शाह उस टाइम होते हैं, मोहम्मद शाह जो होते हैं उसके सर पर एक मुकुट होता है, और उस मुकुट में क्या होता है कि कोहिनूर का हीरा लगा हुआ रहता है। तो इस बात को कैसे जानता है ये नादिर शाह, तो नादिर शाह को पता चलता है एक वैश्या से, है ना, आपको पता है कि कुछ कुछ किंग थे जो वैश्यागिरी क्या करते थे, है ना, तो वैश्या से पता चलता है उनको कि इनके सर में जो मुकुट है उस मुकुट में एक बहुत ही कीमती चीज़ है, डायमंड है। तो ये बहुत चालाक था कौन, नादिर शाह क्या करता है, ये तो मोहम्मद शाह को हरा दिया था, और प्यार से बोलता है कि देखिए हमारे यहाँ एक रिवाज है मुकुट एक्सचेंज करने का, तो वो क्या करता है मुकुट एक्सचेंज कर लेता है, वो अपना वाला दे देता है मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह वाला लेकर फिर चला जाता है। तो इस तरह से इसका एक मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ज़रा देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनोवेटर ऑफ द रिवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वॉज। तो ज़रा देखिए रिवेन्यू सेटलमेंट, आप जानते हैं नवरत्न हुआ करता था उनके टाइम में, नवरत्न मतलब नवरत्न थे उनके अकबर के शासनकाल में। तो नवरत्न में देखिए रिवेन्यू का जो भार था वो किसको दिया गया था, राजा टोडरमल को। तो राजा बीरबल कौन था,
तो राजा बीरबल के बारे में आप काफ़ी कहानी सुन चुके हैं। तो ये थे विदेश मंत्री, उनके टाइम के ये फॉरेन मिनिस्टर थे, तो ये आप याद रखें। और इस क्वेश्चन का आंसर तो राजा तोदरमल होगा। और दूसरा मानसिंह, मानसिंह जो थे वो मुगल साम्राज्य के जो आर्मी थे, आर्मी था, तो आर्मी जनरल था राजा मानसिंह। और राजा मानसिंह के बारे में आपको पता ही होगा, राजा मानसिंह के वजह से ही हल्दी घाटी की लड़ाई में, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी तो 1576 ईस्वी में हुई थी। और 1576 ईस्वी में राजा मानसिंह हरा देता है किसको, महाराणा प्रताप को। इसलिए बहुत प्यारा था किसका, अकबर का। तो ज़रा देखिए, अब इतना हो गया आप इसके बारे में, ये भगवान दास ये नवरत्न में से नहीं थे, तो इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आज का क्लास रैपअप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।